यदि आपको किसी काम को करने में डर लगता है तो याद रखना कि ये संकेत है आपका काम वाकई बहुत बहादुरी भरा है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 8 नवंबर के करंट अफेयर पे। और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 12 करंट अफेयर पे डिस्कशन करेंगे और साथ ही इनके स्पेशल फैक्टर हम पूरे डिटेल में जानेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो आपको इन 5 प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान देखते रहिए। और देखिए इस वीडियो को पूरा रखने बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज के करंट अफेयर की PDF लिंक मिल जाएगी और आज के करंट अफेयर की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और देखिए वीडियो को देखने बाद इसको लाइक करके इसको सभी टेलीग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख के इससे लाभ उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन आपके के सही उत्तरों की। देखिए कल के क्वेश्चन आपके का पहला प्रश्न था कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए ये तिथि आपकी है 5 नवंबर। और देखिए दूसरा था कि हाल ही में किस राज्य में तवांग महोत्सव सम्पन्न हुआ। तो देखिए ये राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है और तवांग महोत्सव के बारे में बहुत सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी परसों के वीडियो में, तो परसों का वीडियो देख के इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। और देखिए तीसरा था कि 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 कहाँ पर आयोजित किया गया। तो देखिए ये प्लेस आपका है कोलकाता। और देखिए चौथा था कि प्रत्येक वर्ष मणिपुर, मिजोरम, असम तथा देश के अन्य हिस्सों में फसल की उपज के लिए कृतज्ञता प्रकट करने हेतु कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो देखिए इस उत्सव का नाम है चवांगकूट महोत्सव। और 5वां था कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में 15 वर्ष से पुराने सरकारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी है बिहार की। और देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर राइजिंग हिमाचल बैठक का उद्घाटन किया। तो देखिए हिमाचल प्रदेश का ये प्लेस आपका है धर्मशाला। देखिए अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के धर्मशाला में जो है राइजिंग हिमाचल बैठक का आयोजन किया गया था और इस राइजिंग हिमाचल बैठक का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जो आपका ये राइजिंग हिमाचल नामक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था, ठीक है, तो इसमें भारत के उद्योगपति तथा कई राज्यों के मंत्री और कई देशों के राजदूत, इन्वेस्टर्स और डेलीगेट्स जो ये शामिल हुए, इसको आप याद रखेंगे। और देखिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। देखिए हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय जी और हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। दूसरा प्रश्न है कि भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। देखिए ये प्रश्न बहुत रिपोज हो रहा एग्जाम में और बहुत लोगों को पता भी होगा, इसको नहीं पता है वो जान ले कि वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी हैं। और देखिए ओम बिरला से जुड़ी एक बहुत ही खास न्यूज है और ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा। देखिए वर्तमान जो लोकसभा अध्यक्ष हैं भारत के ओम बिरला जी, इन्होंने अभी हाल ही में जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित G20 देशों के 6वें संसदीय शिखर सम्मेलन 2019 में भारतीय संसद के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। और देखिए जो आपका ये G20 देशों का 6वां संसदीय शिखर सम्मेलन था जो कि अभी हाल ही में जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया गया, तो इस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है, ठीक है, ये जो है आतंकवाद से संबंधित था जो कि अर्थव्यवस्था की प्रणाली को नष्ट कर रहा है। तो ये सारी विशेष चीज़ें आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको 2 चीज़ें याद रखनी हैं। पहला ये कि जो भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं इनका क्या नाम है, इनका नाम है ओम बिरला और इन्होंने अभी हाल ही में पार्टिसिपेट किया G20 देशों के 6वें संसदीय शिखर सम्मेलन में, ठीक है, जो कि अभी हाल ही में जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया गया था। और देखिए थोड़ा सा हम बात करेंगे जापान के बारे में जहाँ पे इसका आयोजन हुआ। देखिए जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे और जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की मुद्रा का नाम है येन। और देखिए एक खास बात और है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। देखिए जो आपका जापान का पार्लियामेंट यानी कि संसद है, इसको हम डायट के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो जापान की संसद को हम कहते हैं डायट। और देखिए तीसरा प्रश्न है कि किस तिथि को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्मी कॉन्फ्लिक्ट यानी कि युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो देखिए ये तिथि आपकी है 6 नवंबर। हर साल 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट अर्थात युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया है, इसको आपको याद रखना है। और देखिए जो आपकी संयुक्त राष्ट्र महासभा है तो 2001 में इसने जो है पहली बार इस सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत की थी।
और ये चौथा प्रश्न है कि हाल ही में गुरु नानक देव जी की 550वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस पुस्तक का विमोचन किया गया। तो देखिए, अभी हाल ही में गुरु नानक देव जी की 550वीं वर्षगांठ के अवसर पर तीन पुस्तकों का विमोचन किया गया और ये पुस्तकें आपकी हैं गुरु नानक बाणी, नानक बाणी और साखियां गुरु नानक देव। इनको आपको याद रखना है। और देखिए, इन तीनों पुस्तकों के बारे में डिटेल में जान लीजिए। देखिए, बिहारी में इन तीनों पुस्तकों का विमोचन जो है ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और भारत की जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, ठीक है, इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में किया। और देखिए, इन पुस्तकों का यानी कि जो आपकी ये पुस्तकें हैं गुरु नानक बाणी, नानक बाणी और साखियां गुरु नानक देव, इन तीनों पुस्तकों का जो प्रकाशन ये किया है नेशनल बुक ट्रस्ट ने, इसको आप याद रखेंगे हर हालत में। और देखिए, जानकारी आपको देनी है कि जो आपका अक्टूबर 2019 का टॉप 180 करेंट अफेयर का वीडियो यानी कि मंथली करेंट अफेयर का वीडियो है तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख डालिए क्योंकि यहाँ पे आपको 180 बहुत ही महत्वपूर्ण करेंट अफेयर मिल जाएंगे अक्टूबर 2019 महीने के, ठीक है, और ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है तो इस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है। और इसको देखने बाद जो है आप इसका PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, तो ये काम आप कर लीजिएगा। और देखिए, पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबा साहेब धाबेकर का निधन हो गया। तो देखिए, जो आपके बाबा साहेब धाबेकर हैं ये जो है महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री थे और वर्तमान में ये जो है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। और इनके बारे में विशेष जानकारी क्या है, देखिए इन्होंने 1990 के दशक में शिवसेना भाजपा यानी कि जो आपकी भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, तो शिवसेना और भाजपा के गठबंधन की जो सरकार थी तो उसके दौरान जो है वहाँ पर उन्होंने जल संसाधन मंत्री के रूप में कार्य किया था, लेकिन बाद में ये कांग्रेस में आ गए और फिर जो है बियाली में इनका निधन भी हो गया है। तो आपको बस एक लाइन में सरल शब्दों में याद रखना है कि जो आपके बाबा साहेब धाबेकर थे ये जो है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और ये जो है महाराष्ट्र राज्य में ये पूर्व मंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के कौशल और रोजगार में नए आयाम जोड़ने के लिए टाटा स्ट्राइव और टेक महिंद्रा के साथ समझौता किया है। तो देखिए, ये राज्य सरकार आपकी ओडिशा की है और देखिए वर्तमान में जो ओडिशा के मुख्यमंत्री इनका नाम है नवीन पटनायक और देखिए ओडिशा के वर्तमान राज्यपाल आपके गणेशी लाल जी हैं और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। तो ये डिटेल्स याद रखना है ओडिशा के बारे में, लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि अभियाली में ओडिशा की राज्य सरकार ने युवाओं के कौशल और रोजगार में नए आयाम जुड़ने के लिए टाटा स्ट्राइव और टेक महिंद्रा इन दोनों कंपनियों के साथ जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अल्जाइमर की GV971 यानी कि सोडियम ऑलिगो मन्नुरारेट दवाई को जो है आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। तो देखिए, ये देश आपका है चीन और इस दवाई की बहुत ही खास बातें हैं, इनको मैं अभी बताऊंगा डिटेल में, तो ध्यान सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले अभी क्या रखना है कि अभी हाल ही में जो आपका चीन यानी कि चाइना है इसने अल्जाइमर की GV971 दवाई को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। और देखिए, अभी हाल ही में चीन के नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है चीन में तैयार की गई इस अल्जाइमर की GV971 दवाई को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। और इस दवा की क्या खास बातें हैं, देखिए आपको बता दूं कि जो आपका चीनी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज यानी कि चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है, इसके तहत संघाई इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरिया मेडिका ने 22 सालों के शोध के बाद जो है ओशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना और ग्रीन वैली फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड के साथ जो है संयुक्त रूप से इस दवा को मिलकर तैयार किया है। और जो आपकी ये दवा है इसको जो है ब्राउन सवाल से तैयार किया गया है और ये दुनिया की पहली ऐसी मल्टी टारगेटिंग और कार्बोहाइड्रेट आधारित दवा है जो कि 29 दिसंबर 2019 से मरीजों के लिए जो है अल्जाइमर के उपचार के लिए उपलब्ध होगी। तो ये पूरी डिटेल्स आपको याद रखना है इस दवा के बारे में, इसका नाम है GV971 यानी कि सोडियम ऑलिगो मन्नुरारेट, ठीक है, ये पूरी डिटेल्स आप नोट कर लीजिए। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा निर्मित जहाज जो है प्रदान किया गया। तो देखिए, इस जहाज का नाम है ICGS एनी बेसिन। आप एक लाइन में दिमाग में फिट कर लीजिए कि बिहारी में भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड को जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा निर्मित जो है जहाज ICGS एनी बेसिन जो है प्रदान किया गया है। और इस जहाज की खास बात क्या है ये भी जान लीजिए। देखिए, जो आपका ये ICGS एनी बेसेंट है, ठीक है, तो ये 5 युद्ध पोतों की एक श्रृंखला का दूसरा जहाज है जो कि अभियाली में
इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंपा गया है। और इसकी लंबाई है 50 मीटर और इसकी चौड़ाई है 7.5 मीटर, जो कि लगभग 308 टन के विस्थापन के साथ जो है देश के समुद्री क्षेत्रों में परिचालन में सक्षम है। और इसका उपयोग कहाँ भी किया जाएगा, देखिए जो आपका ये ICGS एनी बेसेंट है, ठीक है, तो इसका उपयोग जो है पेट्रोलिंग, तस्करी रोकने, अवैध शिकार और बचाव अभियान में जो है किया जाएगा। और देखिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के बारे में, इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। देखिए जो आपका ये GRSE यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है, ठीक है, इसकी स्थापना 1884 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपका जो है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है, इसको आप याद रखेंगे। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित डिजिटल कंटेंट और प्रोडक्शन एजेंसी, इसका नाम है बॉर्न ग्रुप, इसका $95 मिलियन में अधिग्रहण किया है। तो देखिए ये भारतीय कंपनी आपकी है टेक महिंद्रा लिमिटेड। और देखिए जो का ये टेक महिंद्रा लिमिटेड है, इसके बारे में डिटेल में जान लीजिए। देखिए वर्तमान में टेक महिंद्रा लिमिटेड के अध्यक्ष हैं आनंद महिंद्रा जी और इसके MD और CEO हैं CP गुरनानी। देखिए जो आपका टेक महिंद्रा लिमिटेड कंपनी है, इसका मुख्यालय आपका जो है महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। तो टेक महिंद्रा के बारे में ये डिटेल्स याद रखना है, लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि अभी हाल ही में जो आपका टेक महिंद्रा लिमिटेड कंपनी है, इसने न्यूयॉर्क स्थित डिजिटल कंटेंट और प्रोडक्शन एजेंसी, इसका नाम है बॉर्न ग्रुप, इसका जो है $95 मिलियन में जो है अधिग्रहण किया है। और देखिए दसवां प्रश्न है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने 2 हेल्थ ATM स्थापित किए हैं। तो देखिए ये रेलवे स्टेशन आपका है लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन। देखिए लखनऊ जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो आपका लखनऊ है, यहाँ पे कई सारे रेलवे स्टेशन हैं, तो वहाँ पर जो आपका चारबाग रेलवे स्टेशन, ये लखनऊ का जो है ये मेन रेलवे स्टेशन, ठीक है, तो लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने अभी में 2 हेल्थ ATM स्थापित किए हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर लगाए गए इन दोनों हेल्थ ATM से जो है आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। देखिए इस योलो हेल्थ ATM द्वारा प्रचारित कियोस्क जो है 50 से 100 रुपये में आप जो है 16 स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें जो है 2 प्रकार के चेकअप होते हैं, जिसमें 9 मिनट के चेकअप के लिए आपको जो है 100 रुपये पे करना होता है और 6 मिनट के चेकअप के लिए आपको जो है 50 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे खास बात है कि इसकी रिपोर्ट जो है आपको तुरंत मिल जाएगी आपकी ईमेल आईडी पे या फिर आपके स्मार्टफोन पे जो है मैसेज के द्वारा। और इस चेकअप में शामिल क्या है, देखिए चेकअप में जो है बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर, बॉडी फैट, हीमोग्लोबिन, मेटाबॉलिक एज, मसल्स मास, वेट हाइट, टेम्परेचर, मसल मास, बेसल मेटाबॉलिक रेटिंग, वेजाइनल फैट और ऑक्सीजन सेचुरेशन, पल्स रेट, ब्लड ग्लूकोज और बोन मास, ठीक है। तो ये सारी जानकारी जो है आपको इन हेल्थ ATM से मिल जाएंगी 50 से 100 रुपये पे करने पर। तो ये सारी डिटेल्स जो है आप नोट कर लीजिए। और ये 11वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रथम बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन जो है ये किस स्थान पर किया गया। तो देखिए जो आपका पहला बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन था, इसका आयोजन अभी हाल ही में विशाखापत्तनम में किया गया। देखिए बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है, बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। और देखिए जो आपका ये बिम्स्टेक है, तो इसका ये पहला बंदरगाह सम्मेलन था जो कि भारत में जो है विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया, इसलिए एग्जाम के लिए और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए ये कब से कब तक आयोजित किया गया ये भी जान लीजिए। देखिए जो आपका ये पहला बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन है, इसका आयोजन जो है विशाखापत्तनम में जो है 7 और 8 नवंबर 2019 को किया गया। देखिए जो आपका बिम्स्टेक है इसके बारे में जान लेते हैं, बिम्स्टेक जो है इसका मुख्यालय आपका बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है और बिम्स्टेक के टोटल 7 सदस्य देश हैं और इनमें भारत भी शामिल है। तो भारत और इसके साथ में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार, ये सभी जो है बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको नोट कर लीजिएगा बिम्स्टेक के बारे में ये जानकारी। 12वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस संस्थान के लिए HS कोड जारी किया है। तो देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है खादी और ग्राम उद्योग आयोग के लिए जो है HS कोड जारी किया है। और देखिए HS कोड क्या होता है, इसको जो थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए HS का मतलब है हार्मोनाइज्ड कम्युनिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम, ठीक है। तो जो आपका ये HS कोड है, ये जो है 6 से 10 डिजिट का जो है एक नंबर होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा है। और देखिए जो आपका ये HS कोड है, इसका महत्व क्या होता है, देखिए कई सारे देशों के कस्टम्स वाले होते हैं, ठीक है, अगर कोई माल हम भेज रहे हैं, जैसे कि अमेरिका से कोई माल इंडिया में आ रहा है, फिर इंडिया कोई माल अमेरिका में जा रहा है,
तो उस पर जो है ये कोडिंग कर दिया जाती है, एचएस कोड लगा दिया जाता है, और इसके माध्यम से जो है ये प्रोडक्ट की गुणवत्ता जांच कर लेते हैं कि ये कहाँ से आया है और इसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। और देखिए आपको बता दूं कि जो आपका ये एचएस कोड है, ठीक है, तो ये इंटरनेशनल शिपमेंट्स के लिए जो है रिक्वायर्ड होता है, यानी कि जरूरी होता है, क्योंकि इसकी मदद से ही पता चलता है कि ये एक नंबर का माल है, यानी कि लीगल तरीके से इसका जो है आयात और निर्यात हो रहा है। तो ये थी जानकारी एचएस कोड के बारे में, ये डिटेल्स याद रखना है। लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए जो है एचएस कोड जारी किया है, ठीक है, ताकि इसकी गुणवत्ता जो है ये मेंटेन रहे और इसको कहीं विदेशों में सप्लाई हम करें तो वहाँ के कस्टम्स वाले आसानी से इस कोड को जो है स्कैन करके जान लें कि ये प्रोडक्ट असली है। और देखिए ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि 2020 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस देश में आयोजित होगा, इसका आंसर बताइए तुरंत। और आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने कतर के दोहा में आयोजित 14वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल गेम में जो है स्वर्ण पदक जीता, इसका आंसर बताइए। और आपके लिए तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस शिक्षण संस्थान ने भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर बनाई है, इसका उत्तर बताइए। और आपके लिए चौथा प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर ऋण नियमों का उल्लंघन करने के कारण 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो इस बैंक का नाम बताइए, और कल के वीडियो को देख के इस बैंक के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लीजिएगा। और देखिए आपके लिए पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नासा के किस यान ने 42 वर्षों की यात्रा के बाद नवंबर 2019 में सूर्य की परिधि तक पहुंचने का जो है रिकॉर्ड कायम किया है, इसका नाम बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर सेशन यहीं समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर के साथ। वीडियो को अभी लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया की सभी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पर क्लिक करके इन सबको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि यहाँ से भी आपको जीएस और करंट अफेयर के अपडेट मिलते रहें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।